असम सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत विश्व शर्मा जी, असम सरकार के पुलिस महानिदेशक श्री भास्कर ज्योति महंत जी, आज के इस शानदार परेड में जिन्होंने हिस्सा लिया है, वो सभी असम पुलिस के जवान भाइयों बहनों, असम पुलिस परिवार के उपस्थित सभी परिवारजनों और आज के कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं समग्र असम की जनता और असम पुलिस को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज राष्ट्रपति का निशान असम पुलिस को प्राप्त हुआ है। यह असम की भूमि श्रीमन शंकर देव और मां कामाख्या की भूमि है और असम को भूमि पर पग रहते ही लसित बरफुकन अपनी वीरता, बलिदान, देशभक्ति और जुझारूपन के लिए न केवल असम के लोग, देश भर के लोग उनको याद करते हैं। यही भूमि है, ये भूमि को मां कामाख्या का आशीर्वाद प्राप्त है, शंकर देव और माधव देव का मार्गदर्शन मिला है, महाबाहु ब्रह्मपुत्र का जल इसके कण कण को रोमांचित करता है और भूपेंद्र हजारिका का संगीत यहाँ की हवाओं में हमेशा हमेशा के लिए गूंजता है। आज असम पुलिस को राष्ट्रपति का निशान प्रदान किए जाने के ऐतिहासिक अवसर पर असम पुलिस तो गौरव महसूस कर ही रही है, मगर देश के गृह मंत्री के नाते मैं भी गौरव पुलिस महसूस करता हूं कि देश का 10वां पुलिस फोर्स आज से असम पुलिस बनी है। मित्रों, राष्ट्रपति का निशान प्रदान किया जाना किसी भी संगठन के लिए, पुलिस संगठन के लिए असाधारण घटना है और ये 10वां पुलिस संगठन है जिसको निशान प्रदान हुआ है। इसके साथ सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल, आईटीबीपी, आरएएफ, एसएसबी और आरपीएफ के साथ 10 पुलिस संगठनों के साथ आज से असम पुलिस भी एक गौरवपूर्ण क्लब के अंदर अपना नाम दर्ज करा रही है। इस समग्र असम के लिए बहुत गौरव का विषय है। मित्रों, जहां तक असम पुलिस का इतिहास है, शायद ही देश में कोई ऐसा पुलिस बल होगा जिसने इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना किया होगा। 200 साल के लगभग गौरवपूर्ण और समृद्ध इतिहास को याद करें तो 1826 में अंग्रेजों ने यहाँ के जिला मुख्यालय पर एक दरोगा, एक इनामदार और कुछ कांस्टेबलों की नियुक्ति कर ये फोर्स की शुरुआत की थी। इसमें मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ तक बांग्लादेश के सिलहट तक के सारे क्षेत्र को समाहित किया जाता था और यही असम पुलिस को गौरव प्राप्त है कि सबसे पुराना बल असम राइफल के नाम से, जिसको जन्म देने का गौरव भी असम पुलिस को प्राप्त है। एक जमाने में 8000, आजादी के समय 8000 का पुलिस बल था, आज असम पुलिस की संख्या 70,000 से ऊपर उठी है और अनेक राष्ट्रीय एकता के महत्वपूर्ण लड़ाई असम पुलिस ने बहुत अच्छे ढंग से लड़ी है। इसके इतिहास को पीछे मुड़कर देखते हैं तो विभाजन के समय की विभीषिका, इसके सांप्रदायिक दंगे, शरणार्थियों की समस्या, 7 दशक से चल रही घुसपैठ की समस्या, 71 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में असम पुलिस की गौरवपूर्ण यात्रा और उग्रवाद को चुनौती देने के लिए 80 से 90 तक का एक विदेशी शक्तियों को परास्त करने वाला लंबा संघर्ष विजय के साथ समाप्त करने का गौरव असम पुलिस को प्राप्त है। उल्फा, एनएससीएन, एनडीएपी, कई प्रतिबंधित संगठनों के सामने असम पुलिस
डटकर इसका लोहा लिया है और देश की सीमाओं को और देश की आंतरिक सुरक्षाओं को भी सुरक्षित रखने का काम किया है। असम पुलिस ने यूनिफाइड कमांड के तहत ऑपरेशन बजरंग और भारतीय सेना का ऑपरेशन राइनो के अंदर भी एक सहकर्मी की भूमिका निभाकर भारतीय सेना का मजबूत तरीके से सहायता करने का काम किया है। इसके अलावा हथियारों की तस्करी, गौ तस्करी, ड्रग तस्करी, मानव तस्करी, ये सभी के खिलाफ निरंतर 7 दशक तक असम पुलिस ने ये न थकने वाली लड़ाई लड़ी है और विजयी लड़ाई लड़ी है। इसके लिए उनके डीजीपी से लेकर सबसे कम उम्र वाले कांस्टेबल तक सबको आज मैं देश के गृह मंत्री के नाते बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज आपको जो राष्ट्रपति का निशान मिला है, असम पुलिस उसकी अधिकारी है और सबसे गौरवप्रद लड़ाई लड़ने वाली पुलिस बल में से एक असम पुलिस को आज राष्ट्रपति का निशान मिलने का गौरव प्राप्त किया है। और ये लड़ाई लड़ते लड़ते असम पुलिस के लगभग 886 कर्मी शहीद हुए और ये लड़ाई में असम पुलिस के कर्मियों को 2 कीर्ति चक्र, 4 प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और 19 पुलिस मेडल भी प्राप्त हुए हैं, जो असम पुलिस की वीरता का एक प्रकार से एक्नोलेजमेंट है। मित्रों, आंतरिक सुरक्षा के लिए जब उग्रवाद का संकट आया तब असम पुलिस ने संविधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इसके खिलाफ खड़े हुए, गन का सामना गन से करने का काम किया और साथ में भटके हुए युवाओं को मुख्य धारा में समाहित करने का भी काम किया। इसके कई सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी असम पुलिस ने अपनी लड़ाई लड़ी है। प्रोजेक्ट प्रहरी, जादू टोना के खिलाफ लड़ाई, सामाजिक पूर्वाग्रहों के खिलाफ लड़ाई, डायन प्रथा के खिलाफ लड़ाई, कई लड़ाइयों को असम पुलिस ने समाज के साथ रहकर कुप्रथाओं से समाज को मुक्त करने का काम भी किया है। असम में हिंसा और आतंकवाद के शिकार बच्चों के कल्याण के लिए प्रोजेक्ट अश्व समग्र देश के अंदर असम पुलिस को प्रोजेक्ट अश्व ने गर्व दिलाया है। भ्रष्ट उग्रवादियों के समुचित पुनर्वास और उनके समग्र विकास के लिए, स्थानीय सांस्कृतिक पहचान और लोकाचार की सुरक्षा के लिए असम पुलिस ने न केवल प्रयास किए हैं, प्रयास करकर परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि असम की महान भूमि से उग्रवाद के बुरे दिन अब समाप्त होने को आए हैं। उग्रवादी संगठनों के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे युवा मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी शांति समझौते एक के बाद एक कर रहे हैं और वो दिन दूर नहीं है कि असम के अंदर एक भी उग्रवादी संगठन नहीं होगा। भटके हुए युवा साथी, युवा हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में शामिल हो रहे हैं। पड़ोसी राज्य के साथ सीमा विवाद के पर भी एक साथ वार्ता कर एक के बाद एक 7 दशक पुरानी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास हो रहा है। अब सभा को भी हटाया जा रहा है। कभी यहाँ आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर दिया जाता था, आज असम के युवा को विकास और उज्जवल भविष्य का स्पेशल पावर देने का काम असम सरकार कर रही है, वो हम सब के लिए आनंद का विषय है। सीमावर्ती जिलों में असम पुलिस जो CAPF हो इसके साथ खड़ी रहकर एक अभेद दीवार खड़ी करी है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि विगत 6 साल के अंदर असम की सीमाओं से घुसपैठ और एक साल के अंदर गौ तस्करी को लगभग 0 के बराबर लाने में असम पुलिस और असम सरकार को बहुत बड़ी सफलता मिली है। और कई ऐसे काम जो हुए हैं जो दशकों से लंबित समस्याएं थी। कार्बी समूहों के साथ अभी 4 सितंबर 21 को मेरी उपस्थिति में समझौता हुआ
अभी प्रधानमंत्री जी वहां गए थे तब समझौते की बहुत सारी शर्तों का पालन भी हो गया है, और बोडो समूह के केडर का पुनर्वास करना, बोडो समूह के साथ समझौता करना, और लगभग लगभग 427 पूर्व केडरों के खिलाफ 274 मामले वापिस लेकर आज उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया है। अब सपा हमेशा के लिए आम जनता का विरोध का कारण रहता था। नागालैंड, असम, मणिपुर, सशस्त्र विशेष बल अधिकार अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्रों में हाल में ही कम करने का काम किया है। लगभग 1990 से आसाम के अंदर अब सफा लागू था, लगातार 60 बार इसको बढ़ाया गया, और आज कहने में मुझे गर्व है कि मोदी जी के 8 साल के शासन के बाद स्थिति ऐसी हुई है कि आसाम के 23 जिलों में से अब सफा को पूर्ण रूप से उठाने का काम हो गया है, एक रूप में आंशिक रूप से हटा दिया गया है। आसाम के 60% से ज्यादा हिस्से पर से आज अब सपा हम हटा पाए, और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं है कि पूरे आसाम से अब सपा को हटा पाए। इस प्रकार की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति यहां पर प्रस्तापित की जाएगी। मादक पदार्थों की तस्करी और गैंडों का अवैध शिकार, इस पर भी ध्यान खींचने वाली सफलता असम पुलिस ने प्राप्त की है, और इस मामले में 2834 मामले दर्ज किए गए, 5000 के करीब लोगों को अरेस्ट किया गया, और गैंडों के शिकार पर और कड़ाई के साथ आगे बढ़ने के लिए हेमंत जी के नेतृत्व में असम पुलिस कटिबद्ध है। विगत एक साल के अंदर भी आसाम पुलिस ने ढेर सारी उपलब्धियां प्राप्त की है। गायों की तस्करी रोकने, कोयला, लकड़ी, सुपारी की सिंडिकेट को समाप्त करना, गैर कानूनी सरकारी और प्राइवेट जमीनों को कब्जों से मुक्त कराना, आसाम पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस करना, फोरेंसिक क्षमताओं का विस्तार करना, पुलिस साइबर रोड साइबर डोम परियोजना को लागू करना, और इसके साथ साथ भर्ती कर खाली स्थानों को पुरकर पुलिस को और एफिशिएंट बनाना, पुलिस थाना भवनों के उन्नयन के लिए 5 बहुत सारे काम हुए हैं, नए वाहन हथियार और उपकरण की खरीदी भी बहुत हुई है, नई 5 कमांडो बटालियन के गठन के लिए सामूहिक भर्ती अभियान भी चला है। भाइयों बहनों, मैं आज बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि आज असम पुलिस को जो राष्ट्रपति का निशान मिला है, असम पुलिस इसके लिए सर्वथा सर्व दृष्टि से योग्य पुलिस है, और आज मैं इतना कहना चाहता हूं कि देश के सबसे अच्छे पुलिस बलों में असम पुलिस बहुत उच्च मानांकों के साथ शुमार है, इसका देश के गृह मंत्री के नाते मुझे गौरव है। असम पुलिस भारत के सबसे अच्छे पुलिस बलों में अपना स्थान सुनिश्चित कर चुकी है। इतनी सारी भौगोलिक विषमताएं और चुनौतियों के बावजूद भी आज असम विकास के रास्ते पर चल रहा है। दशकों तक असम ने जो रक्तपात को झेला है, असम ने जो उग्रवाद को झेला है, असम ने जो अशांति से झेला है, इसका युग अब समाप्त हुआ है। अब शांति, भाईचारे, सांस्कृतिक संरक्षण और विकास के नए युग की शुरुआत हुई है। मुझे आज बहुत गौरव हो रहा है कि आज असम पुलिस को राष्ट्रपति का निशान मिला है, और ये निशान देने का गौरव मुझे भी प्राप्त हो रहा है। भारत के पुलिस बलों के इतिहास में आज असम पुलिस को राष्ट्रपति का निशान मिलना, ये घटना सुवर्णमयी अक्षरों से लिखी जाएगी, और इसके साथ ही असम के हर पुलिस बल के हर कर्मी का हौसला और बढ़ेगा, और त्याग, बलिदान और परिश्रम के साथ देश की सीमाओं की और असम की आंतरिक सुरक्षा की
सुनिश्चितता पुलिस बल करेगा, उसको मुझे भरोसा है। मैं डीजीपी और उनकी पूरी टीम को हृदय से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनका अभिनंदन भी करना चाहता हूं। असम पुलिस आने वाले दिनों में और महत्वपूर्ण गंतव्यों को प्राप्त करे, ऐसी शुभकामना देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।